बेसिकली ये वोल्टेज केबल एक ही जगह जा रहा है वो है आपका एच और ये एलवन की लाइन से आ रहा है जो आपको मेन पी एम दे रही है ठीक so, है सो आप नो तो पांच अलग अलग जगह से इस वो आई को वोल्टेज दिया जा रहा है और जब तक ये वो सारे वोल्टेज नहीं चेक होंगे तब तक हमारा आ, ये आईसी काम नहीं करेगा नो सर्विस हो सकता है और आपका बेसमेंट भी अननोन हो सकता है ठीक है अपडेट होते हैं तो आप भी अपडेट और घर पर बैठ कुछ भी नहीं मिलने वाला घर पे बैठे मिलेगा केबल बाबूजी का ठुल्लू घर पर बैठ के मिलने वाला है बाबूजी का ठुल्लू हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा जिद है मेरा गुरूर। मेरी so, hi YouTube family के आप सभी लोग दोस्तों so, आज मैं बात करूंगा नेटवर्क सेक्शन के एच डी आर आई सी की जिसको हम ट्रांसीसीवर आईसी बोलते हैं एच डी आर सिक्स सिक्स जीरो के इसके वोल्टेज के बारे में अगर आप किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हैं किसी भी सी पी यू पर काम कर रहे हैं भले ही वो एक मीडिया टेक का हो भले ही वो एक सैमसंग का हो या भले ही वो आ, आपका कॉलकम का हो हालांकि सैमसंग में एच डी आर आते नहीं है बट सैमसंग के अंदर अगर कॉलकम का सी पी यू लगा है तो एच डी आर आपको देखने को मिल जाएगा सो so, सेट कोई सा भी हो और सी पी यू अगर सैमसंग में अगर जाइनॉक्स लगा है तो आपको सैमसंग में उसका खुद का ट्रांसलिस देखने को मिलता है जिसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सो so, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो के लिए इस वीडियो को पहले से लाइक कर लो क्योंकि मज़ेदार वीडियो है नॉलेज से भरा हुआ है एच कभी भी कोई सेट आया तो ये वीडियो देख ये वीडियो देखने के बाद मैं आपने सिर्फ डायग्राम खोलना है डायग्राम खोल के उसको बना लेना है सो डायग्राम के लिए आपको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है बट हाँ जिसका डायग्राम नहीं होगा तो उसके लिए आपको अपने किसी नियर ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो भरोसे का लायक होगा जो आपको लगता है वाकई में नॉलेज है और जो सही अपडेट नॉलेज रखता है पुराना वो फाइव फाइवे वाला नहीं रेडमी फाइवे वाला नहीं आपके जियो वाला नॉलेज नहीं थोड़ा अपडेट नॉलेज ठीक है उसके बाद जाना और ऑनलाइन पे पैसे बिल्कुल बेस्ट मत करना दोस्तों ऑनलाइन में पैसे बेस्ट करने के बाद में आपको लगेगा कि मतलब आपको इतना गंदा लूटा गया है कि आप सोच नहीं सकते सो तो जो भी लड़के ऑनलाइन पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं अपनी दुकान बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं है बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अपने अपने आप को स्विच करके अपडेट होने के लिए बड़ी बड़ी जगह जाते हैं और अपडेट होते हैं तो आप भी अपडेट होइए और घर दब बैठ कर कुछ भी नहीं मिलने वाला घर पर बैठे मिलेगा केवल बाबू जी का टुल्लु घर पर बैठ कर मिलने वाला है बाबू जी का टुल्लु तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम बात करें ये है रेडमी का नोट सेवन प्रो जिसमें कोलकम का सी पी यू लगाया हुआ है और सी पी यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन सा सी पी यू दिया हुआ है ये जो मैं एच डी आर के वोल्टेज बता रहा हूँ ये अभी एच डी आर सिक्स जीरो के लिए लागू होगा इसके बाद एक अपडेट एच डी आर बताऊँगा जब भी लेटेस्ट फ़ोनों में आ रहा है और तो मैं यहाँ पर इसके सी की पहले बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो सी है वो है एस आइए चलिए इसके सबसे पहले इसके नेटवर्क सेक्शन पर जाते हैं और इसके नेटवर्क सेक्शन को समझते हैं आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर तो अगर मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ नेटवर्क सेक्शन में हालांकि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं पर आप इसको भी देख लीजिएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये आपका बेसिकली यहां पर ट्रांस रिसीवर है मतलब मेन आरएफ या आईएफ एफ आर एफ लोग पीएफओ को भी बुलाते हैं बट किसी को भी बोल लो अभी तो फिलहाल समझने वाली बातें हैं ये छोटे छोटे ये आपके स्विचर लगे हुए हैं या बैंड फिल्टर पास लगे हुए हैं जिसको हम बैंड आईसी या छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक बैंड आईसी है जो स्विचिंग कर रही है मतलब अलग अलग सिग्नल को अलग अलग जगह पर भेज रही है या जो एक बॉन्डिंग की तरह काम कर रही है बॉन्डिंग मतलब जिसमें एक सिग्नल जाता है दो सिग्नल जाते हैं और एक सिग्नल निकलता है मतलब दो इन होते हैं तो एक आउट होता है तो मतलब दोनों को जोड़कर कर बॉन्डिंग करते हैं सो so बेसिकली यहाँ पर अलग अलग बैंड और स्विचर यहाँ पर डाले गए हैं फिल्ट्रेशन डुप्लेक्स फिल्ट्रेशन यहाँ पर डाले गए हैं ठीक है ये आपका जो यहाँ पर है वो टू वाला पी यूज़ किया गया है जिसको हम बेसिकली एफ ई एम आई सी भी बोलते हैं और जो फोर जी पी एफ ओ है उसका बेसिकली नाम आर एफ होता है बट यहाँ पर हम ट्रांस जो यहाँ पर पर यहाँ पर हम जो हम ट्रांस रिसीविंग बोलेंगे वो हमारा यहाँ पर एस डी आर है सो so अगर हम बात करें देखिए ये तो यहाँ पर आपका जो आईसी यूज़ हो रहा है दोस्तों वो आईसी है एच डी आर सिक्स सिक्स जीरो सो बेसिकली हम इसी आईसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इसको समझने वाले हैं कि इस पे आने वाले वोल्टेज कौन कौन से होते हैं सो so जैसे कि मैंने आपको बताया होगा अपने पहले के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में क्या पे डी का मतलब क्या होता है ए का वन टू थ्री का क्या मतलब होता है अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं सो so हम यहाँ पर वोल्टेज को सबसे पहले फ़ाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए मैं यहाँ पर इसको डबल टिक करता हूँ और इसको टिक करने के बाद यहाँ पर डी हटाता हूँ सबसे पहले ए लिखता हूँ और देखता हूँ कि मेरे को वोल्टेज का जो सेक्शन है वो कहाँ पर है सो so आप नोटिस करो यहाँ पर कंट्रोल का सेक्शन दिया हुआ है वोल्टेज का सेक्शन नहीं है तो अब मैं बी पर टिक करूँगा और बी में आप देखिएगा तो मेरे को पूरे में ग्राउंड ही दिया हुआ है इसमें तो कुछ भी नहीं है ये सिर्फ ग्राउंड का पार्ट है तो अब मैं सी में टिक करूँगा नोटिस so कीजिएगा तो सी में मुझे पावर का पार्ट दिया हुआ है तो चलिए ये चीज अच्छी है कि सी में मुझे पावर का पार्ट दे दिया गया है ठीक है तो अब मैं यहाँ पर अगर आपको एक लमसम बताऊं पहले मैं लमसम बताने की कोशिश करूंगा ये देखिए अगर आपको एक लमसम बताया जाए चीजों को तो यहां पर अलग अलग वोल्टेज यहां पर एंटर हो रहे हैं और आपको ये सारे वोल्टेज चेक वोल्टेज करना है, है।, है। यहाँ पर इस पे आने वाले कितने सारे वोल्टेज हैं जो सारी चीज़ हमें चेक करना है पहला हमको एक यहाँ चेक करना है जो भी वोल्टेज यहाँ पे लिखा होगा ठीक है दूसरा हमको यहाँ पर ये वाले वोल्टेज चेक करना है तो एक दो दो वोल्टेज तीसरा हमको यहाँ पर तीन चौथा हमको यहाँ पर चार और पाँचों हमको यहाँ पर तो पांच अलग अलग जगह से इस आईसी को वोल्टेज दिया जा रहा है और जब तक ये वो सारे वोल्टेज नहीं चेक होंगे तब तक हमारा आ, ये आईसी काम नहीं करेगा नो सर्विस हो सकता है और आपका बेसमेंट भी अननोन हो सकता है कि अब आप आपको क्या करना है तो सबसे पहले आपको सबसे पहला वोल्टेज में जाना है सो तो आप नोटिस कीजिएगा सबसे पहला वोल्टेज है यहाँ पर तो 1.0 जो आप देखते होंगे डब्ल्यू में भी आता है जो आप अगर हम चेक करें तो 0.9 बराबर वोल्टेज आएगा सो आप यहाँ पर ये क्लिक करके इस कैपेसिटर पे यहाँ पर ये वोल्टेज को चेक कर सकते हैं सो देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर पे आपने आप अपना फ़ोन को ऑन करके सिम लगा के और जब नो no सर्विस आ रहा है तो आप इसको ये चेक कीजिए कि यहाँ पर वन पॉइंट यहाँ पर बेसिकली आपका वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो जो आपका वोल्टेज बनेगा आपके डायग्राम के हिसाब से वो इस कैपेसिटर पे यहाँ पर 1.0 बनेगा और ये एक सिरे पे ग्राउंड होगा सो अगर ये वोल्टेज बन रहा है तो मतलब ये लाइन ओके okay है नहीं बन रहा है सो so, फिलहाल इसी लाइन को देखते हैं कि कहाँ से आ रहा है ताकि एक रेफरेंस मिल जाए बाकी लाइनों के लिए तो वी आर ई जी मतलब वी रे की लाइन से आ रहा है एल टू ए की लाइन से आ रहा है तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ये यह लाइन यहाँ से दिखाई दे रही है और ये सिर्फ एक ही जगह से वोल्टेज बना रहा है मतलब बेसिकली ये वोल्टेज केवल एक ही जगह जा रहा है वो है आपका एच और ये वन की ला, लाइन से आ रहा है जो आपको मेन पी दे रही है ठीक है सो आप नोटिस कीजिएगा कि आपका पी पर आपको काम करना पड़ेगा अगर ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा आपको लाइन पर काम करना पड़ेगा आपको उसके कैपेसिटर के जी पे काम करना पड़ेगा का क्योंकि वो भी हो सकता है लीकेज हो गए हों और इस एल्वन पर ये सारी चीज़ें इन होनी हैं तो ये चीज़ों को समझने के लिए एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या होता है ठीक है फ़िलहाल हम यहाँ पर इस पे जाते हैं तो ये वोल्टेज अब ये नोटिस कीजिए तो ये जो वोल्टेज है दोस्तों ये वोल्टेज आपको यहाँ पर जाकर इन हो रहे हैं ये कैपेसिटर में अगर मैं बात करूँ ये देखिए सो so, यहाँ पर एक एनालॉग लिखा हुआ है वी डी डी वन पॉइंट जीरो मतलब ये अप डाउन होंगे हो सकते हैं अप डाउन हो और आप इसको चेक कर सकते हैं दूसरा वोल्टेज अगर मैं एच डी आर में बात करूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा देखिए ये देखिए वन पॉइंट एट वोल्टेज वी आर ई जी जो एल फोर्टीन की लाइन से आ रहे हैं अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने तो 1.8 पॉइंट वोल्टेज चेक कर लिया है और वो हमें आ रहे हैं तो अब हमें कोई दूसरा 1.8 पॉइंट वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि नोटिस कीजिएगा यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर एक इधर भी ये देखिए ये यह देखिए यह यहाँ पर भी आपको एक 1.8 पॉइंट वोल्टेज देखने को मिलेगा बट आप नोटिस कीजिए ये एल है और वो था एल या फोर्टीन नोटिस करते हैं वो क्या था तो वो था एल फोर्टीन सो आप दोनों को देखेंगे तो दो अलग अलग वीर एज की सप्लाई से एल डी ओ की सप्लाई से बन रहे हैं तो जैसे कि मैं आपको बता रहा पर था पर कि अगर आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज हैं ये देखिए ये 1.8 पॉइंट एट जो मुझे मिल गया है तो वो सारे 1.8 पॉइंट होके हैं तो ये आपका सोचना ये गलत होगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर 1.8 वोल्टेज बन रहे हैं ये 1.8 वोल्टेज अलग है और ये सारे पैडों में आने चाहिए क्योंकि तो यहाँ पर भी देखिए आर एक्स टू आर एक्स तो दो आर एक्स के लिए मिल रहे हैं एक आर एक्स वन एक आर एक्स टू यहाँ पर देखिए ये वोल्टेज टी एक्स के लिए है, टी एक्स वन के लिए है यही वोल्टेज आर एक्स के लिए भी है सो so, आपको अलग अलग जगह पे ये देखिए आर एक्स वन के लिए वोल्टेज आ रहा है ये टी एक्स के लिए आ रहा है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेंगे एक आपको वोल्टेज आपको और देखने को मिलेगा जो कि मिलेगा 1.2 पॉइंट टू वोल्टेज सो so, बेसिकली देखा तीन वोल्टेज यहाँ पर आपको एच डी आर देखने को मिलेंगे एक वन पॉइंट और एक वन पॉइंट जीरो सो वन पॉइंट टू एल वन ए की लाइन से आ रहा है और अगर यहाँ पर इस वोल्टेज की अगर मैं और बात करूँ तो एक वोल्टेज आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पर एक वन पॉइंट जीरो एक और आ रहा है एल थ्री ए सो नोटिस कीजिएगा एल थ्री ए अलग है और एल वन ए अलग है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एल थ्री अलग है एल वन ए अलग है सो so, यहाँ से आपको जो जा रहा है एक वोल्टेज और जा रहा है और एल थ्री ए से एक वोल्टेज आ रहा है सो बेसिकली ये जो एल थ्री ए है ये देखिए ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा और अगर इसके इस वाले पार्ट में बात करेंगे यहाँ पर एल टू ए है ये देखिए एल टू ए सो तो देखिए एल टू ए और एल थ्री ए तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आपको एच डी आर पर दो वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर दो एल से आ रहे हैं सो तो यहाँ पर भी वन पॉइंट जीरो और यहाँ पर भी वन पॉइंट ज़ीरो वहाँ यहाँ पर भी वन पॉइंट जीरो और ये दोनों ही एच डी आर को इन हो रहे हैं सो तो दोस्तों ये दोनों ही वोल्टेज एच डी आर को इन होने चाहिए सो तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आपको यहाँ पर ये यह देखिए ये आ गया तो इस तरीके से आप अपने वोल्टेज को चेक कर सकते हैं अगर आप डायग्राम में इसको ओपन कर रहे हैं सो तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे जैसे मान लीजिए आपको ये वन ढूंढना है तो आप इस कैपेसिटर को मैं डबल टेक कीजिएगा तो ये कैपेसिटर आपको यहाँ मिल जाएगा और आप यहाँ पर ये देखिए आईसी के ये वाले पॉइंट पर आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा 1.8 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर उसके बाद में आप ये वाले कैपेसिटर ये वाली लाइन पे आइएगा और ये वाली लाइन पे आने के बाद में इस कैपेसिटर को टच कीजिएगा यहाँ पर तो आपको ये कैपेसिटर यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर वन वोल्टेज एक और मिलना चाहिए तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट लाइन के लिए यहाँ पर दिए गए हैं तो यहाँ पर ये यहाँ पर तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा ये वन वोल्टेज आपको मिलना चाहिए तो दोस्तों कैसा लगा ये एच का वोल्टेज रेफरेंस का वीडियो और आई होप कि आपके क्लियरिटी हो गई हो दिमाग में कि अगर मुझे वन ये अलग अलग जगह पर क्यों आ रहा है और क्या ये वाकई में अलग है या नहीं है सो ये सारी चीज़ आपको पता हो गई होगी और इस वीडियो के लिए मेरी मेहनत और आपके मेरे नॉलेज के लिए जो आपको मिला है उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है सर सर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा क्या नाम है आपका संतोष अभी आप क्या करने वाले हैं उसका सीपी हूँ कौन सा फोन है ये एम आई वाई वाई वन वाई वन है जी तो अभी आप इसका सीपी निकालने वाले हैं Thank <laughs>